भगवान का नाम पावन है, पुनीत है, प्रतिदिन आदमी को लेना चाहिए। क्योंकि जब हम गर्भ में हुआ करते हैं ना, तब हम ये वादा कर देते हैं वहां कि हे प्रभु, इस घोर नरक से बाहर कर दें, फिर हम आपका नाम लेते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। लेकिन ये संसार में जब हम संसार की हवा हमें लग जाती है तो हम सब भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को याद करते रहना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जो भी भला बुरा है, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन बहुत लोग नहीं समझते, अच्छे को अच्छा ही समझते हैं, बुरे को अच्छा समझते हैं। आजकल ये जो वातावरण है ना, लोकगीतों का वातावरण, इसमें भी सबको अच्छा ही अच्छा लगता है, चाहे जैसा का उनके लिए तो अच्छा ही, लेकिन हमारे लिए नहीं है। इसलिए जो भी भला बुरा है, अब खैर हम तो आदमी आए ना, इंसान अज्ञानी हो सकता है पर परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा अज्ञानी नहीं होता, वो सब जानता है, हमारी एक एक गतिविधि को जानता है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, श्री राम जानते हैं, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में, अरे बंदे के दिल में, और बंदे के दिल में क्या है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। आपके दिल में क्या है आप स्वयं नहीं जानते, हमारे दिल की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अरे बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते। कहां से कोई संसार में, पूरी दुनिया में गिनती करना मुश्किल है, इतने लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, कहना। आता कहां से कोई, जाता कहां है कोई, आता कहां से कोई, जाता कहाँ है कोई, अरे जाता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, क्या बात है, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। आता कहां से कोई, जाता कहां है कोई, और युग 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 से इस गति को श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। दूसरी बात, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन, किस्मत के नाम को तो कहने लगते हैं यार भैया वह गाड़ी तो इतनी अच्छी है थी और 4 लाख कम में दे रहा हो तो
लेकिन वह हमारी किस्मत ही में ना हती। मकान बहुत बढ़िया है तो और बहुत लम्बो चौड़ो, और हमने 53 लाख कह दी थी, लेकिन वो भैया 60 से नीचे ही नहीं उतर रहा तो। अरे यार क्या बताएं, वो हमारी किस्मत ही में ना हत। सब ऐसे ही बोलते हैं ना, इसलिए किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, ओ ओ ओ, किस्मत में क्या लिखा है, श्री राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है, श्री राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है, श्री राम जानते हैं, बंदी के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। नेकी बदी को दिल में जितना भी तू छिपा ले, नेकी बदी को दिल में कहीं अच्छा काम करके आओ, छिपता नहीं, कहीं गलत काम करके आओ, बुरा काम करके आओ, वो भी नहीं छिपता, सब उजागर हो जाता है। नेकी बदी को दिल में जितना भी तू छिपा ले, जितना भी तू छिपा ले, जितना भी तू छिपा ले, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, श्री राम जानते हैं, श्री राम को पता है, राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। चौथी बात और आखिरी बात है, अपराध श्रेणियों में हर दंड है मुनासिब, अपराध श्रेणियों में हर दंड है मुनासिब, हर दंड है मुनासिब। यदि कोई अपराध करता है तो हमारी भारतीय संहिता जो है 511 धाराएं हैं, उसमें 511 धाराओं के अंतर्गत कोई ना कोई अपराध करने पर कोई ना कोई दंड निश्चित है, मिलेगा ही। लेकिन एक धारा ऐसी भी है जिसमें अपराधी बच जाता है। कहने का मतलब, अपराध श्रेणियों में हर दंड है मुनासिब, हर दंड है मुनासिब, करना किसे क्षमा है, करना किसे क्षमा है, करना किसे क्षमा है, श्री राम जानते हैं, करना किसे क्षमा है, श्री राम जानते हैं, बंदी के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं, बंदी के दिल में क्या है, श्री राम जानते।
राम।